नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मैगी मसाला गराडू फ्राई। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने इंदौर के फेमस गराडू चाट तो खाई होगी, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। उसमें गराडू मसाला डाला जाता है, लेकिन आज मैं इसमें गराडू मसाले की जगह पे मैगी मसाला डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो आज मैं आपके लिए गराडू मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मैगी मसाला नहीं पसंद है, तो आप इसमें नॉर्मली जो घर पे मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा अमचूर पाउडर या चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाल करके मिक्स करके डाल सकते हो। उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आप मैगी मसाला को ट्राई करके देखोगे एक बार, मैगी मसाला मैजिक, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए देखते हैं बनाने की प्रोसेस। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गराडू लिया हुआ है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। उसके बाद चाकू से मैं इसे छील लूँगी। बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। ये देखिए, मैं चाकू से इसके कितने आसानी से छिलके निकाल पा रही हूँ। और इसमें ऐसे हल्के हल्के से ऐसे रेशे से होते हैं, वो भी कभी कड़क होते हैं, तो आप उसे भी निकाल लीजिए, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करके खाते हैं तो कभी वो मुँह में भी आते हैं। तो आप इसे आसानी से छील लीजिए। उसके बाद मैं छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट करूंगी गराडू को। ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बड़े टुकड़े करेंगे तो तलने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं रहेंगे। क्योंकि छोटे टुकड़े रहेंगे तो अंदर तक अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे, ऊपर से बाहर से क्रिस्पी भी जल्दी हो जाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए, गराडू के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं। और जितना गराडू लिया पूरा मैं एकदम से कट नहीं करूँगी, क्योंकि इसका रंग भी चेंज होने लगता है। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो जितने फ्राई होते जाएंगे, उसके बाद मैं कट करते जाऊँगी साथ साथ। और अब देखिए, तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद में मैंने इसकी आँच धीमी कर दी थी, क्योंकि एकदम फुल फ्लेम में नहीं तलेंगे, नहीं तो बाहर से तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ठीक से फ्राई नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें लो से मीडियम हीट पर ही गराडू को फ्राई करना है। तो अब मैं गराडू के टुकड़ों को तेल में डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसे फ्राई होने दूंगी। डालते से एकदम से पलटेंगे नहीं, लगभग 1 से 2 मिनट बाद हम अच्छे से इसे पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आते तक गराडू को अच्छे से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, गराडू को फ्राई होते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैंने गैस की आंच मीडियम पे रखी थी, तो अब मैं बिल्कुल धीमी कर दूंगी और अच्छी तरह से इसे फ्राई होने दूंगी। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं, तो आप इसे देखोगे हिला करके, तो इसमें से आवाज़ आ जाती है। मतलब एक अलग सा आपको फील होगा कि अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, हल्के से हो जाते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कलर भी चेंज हो गया, तो हमारे गराडू फ्राई हो गए, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे गराडू बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको आवाज़ सुना दी हूँ। तलने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि पूरी तरह मॉइस्चर सूखने में और इस तरह से क्रिस्पी बनाने के लिए हमें लो से मीडियम हीट पे और बाद में तो एकदम धीमी आंच पे तलना होता है, ताकि अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, आवाज़ सुनिए। तो मैंने एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आवाज़ सुन सकते हो आप, कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो इसी तरह से मैं निकाल लूँगी और फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो मैं और फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने कट करके रख दिए थे और ठीक बिल्कुल वैसे ही हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। जब तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, लेकिन जब हम डाल दें उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद इसकी आंच जो है गैस की, आप लो से मीडियम कर दें। ये देखिए, जब हम डालते हैं तो काफ़ी सारे बुलबुले आते हैं, क्योंकि हम जैसे डालते हैं गराडू तो टेम्परेचर लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे ये बुलबुले हट जाते हैं, इसका मतलब हमारे गराडू बहुत अच्छे से फ्राई होने लगे हैं। ये देखिए, बीच बीच में पलटते रहेंगे और अच्छे क्रिस्पी होते तक हम गराडुओं को तल लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर तक कितने बढ़िया तरीके से फ्राई हुआ है। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहता है। तो ये देखिए, लास्ट बैच भी गराडू का अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मैं इसे भी डाल देती हूँ। और इसको टेस्टी बनाने के लिए जो नॉर्मली मसाले मिलते हैं, मैं वो नहीं डाल रही हूँ। आप घर का मसाला जैसे चाट मसाला, धनिया, मिर्च, नमक, ये सब भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी मसाला है मैजिक। इससे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मैंने 2 पाउच लिए हुए हैं, तो
तो आप अब गराडू के साइज़ के हिसाब से जितना आप ऐड कर सकते हो, मतलब जितना चटपटा खाना चाहते हो उस हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं पहले दो डाल रही हूँ, फिर टेस्ट करके देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर सकते हैं। देखिए पाउच कट कर लिए मैंने, तो मैं इसे मसाले डाल दूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है मसाले की। ये देखिए दूसरा पाउच भी डाल रही हूँ मैं, और अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से मसाला कोट हो रहा है, और गर्मा गर्म में और अच्छे से मिक्स हो जाता है मसाला, गराडू पे अच्छे से कोट हो जाता है। और आप आवाज़ भी सुन रहे हो कितनी बढ़िया क्रिस्पी हुई है गराडू। ये देखिए घर पे ही कितने अच्छे से हम गराडू फ्राई बना सकते हैं। आजकल जो हम बाहर नहीं खा पा रहे हैं, तो घर पे आप इस तरह से बनाइए और अपना टेस्टी मसाला भी तैयार करिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक जैसे मसाला हमेशा खाएं। ये देखिए कितने बढ़िया गराडू फ्राई बन गए हैं। तो ये देखिए हमारे गर्मा गर्म चटपटे मैगी मसाला मैजिक गराडू तैयार है खाने के लिए। तो ये देखने में ही कितने बढ़िया लग रहे हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि मैगी मसाला मैजिक गराडू फ्राई आपको कैसे लगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।